हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमेथ्रीन लोशन या फिर परमेथ्रीन क्रीम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये परमेथ्रीन लोशन या क्रीम है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है स्कैबीज को ठीक करने के लिए, और दूसरा यूज़ होता है हेड लाइस के अंदर। अब ये स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिसके अंदर स्किन पे ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेड रेड दाने हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनको हम माइट्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में स्कैबीज के अंदर जो ये माइट्स होते हैं ना, इनका स्किन पे संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और जो ये स्कैबीज की प्रॉब्लम है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकती है। अब देखिए परमेथ्रीन लोशन किस तरीके से काम करेगा। स्कैबीज प्रॉब्लम के अंदर जो ये लोशन या क्रीम है, ये जो माइट्स होते हैं ना, इनको किल कर देता है, जिसकी वजह से स्कैबीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरा, इसका यूज किया जाता है हेड लाइस के अंदर, यानी कि किसी को जुएं हो गए हैं, सिर के अंदर जो जुएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए या मारने के लिए परमेथ्रीन लोशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यूज। अब बात करते हैं परमेथ्रीन लोशन को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, देखिए अगर किसी को स्कैबीज की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी पे जो ये लोशन या क्रीम है, इसको अप्लाई कर लेना है, और 8 से 10 घंटे के बाद उस पेशेंट को नहा लेना होता है अच्छे तरीके से, और जो कपड़े पहने हुए था उसको वॉश कर लेना है, ठीक है, गर्म पानी के अंदर। तो ये प्रोसीजर होता है स्कैबीज के अंदर। अगर मैं बात करूँ हेड लाइस की, अगर किसी के बालों के अंदर, सिर के अंदर जुएं हो गए हैं तो वो कैसे यूज करेगा। तो अगर किसी को सिर के अंदर जुए हो गए हैं तो वो कैसे करेगा, उसका तरीका क्या है, तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा, उसको जो सिर के बाल हैं उसके ऊपर ये जो क्रीम या लोशन है ये लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है, और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद अच्छे से सिर को धो लेना होता है। तो इस तरीके से ये जो हेड लाइस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक बात और जो आपको याद रखना है, स्कैबीज की प्रॉब्लम हो या हेड लाइस की प्रॉब्लम हो, दोनों के अंदर एक बार इसका यूज किया जाता है। जैसे एक ही बार यूज किया जाता है, एक बार में जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है। अगर मान लो एक बार यूज करने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको 1 वीक के बाद फिर से दूसरा ट्रीटमेंट करना है, इसी प्रकार जैसे पहले किया था, ठीक है। तो 1 वीक के बाद फिर से जो ट्रीटमेंट है वो रिपीट किया जाता है। तो दूसरी बार यूज करने के बाद टोटली जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है, चाहे वो स्कैबीज हो या फिर वो हेड लाइस की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये था परमेथ्रीन लोशन का यूज और अप्लाई करने का तरीका। आगे बात करते हैं, ये वही है जो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे इचिंग, मान लिया कोई पेशेंट है जिसको स्कैबीज है, स्कैबीज के अंदर इचिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन उसने लोशन लगाया, लोशन लगाने के बाद और ज़्यादा खुजली होने लगी, तो ये क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है। तो इचिंग देखने को मिल सकती है, जो स्किन है वो और ज़्यादा रेड हो जाएगी, टिंगलिंग यानी कि जैसे चुभन, जैसे कीले सी लग रही हैं ऐसा महसूस हो सकता है ना, स्किन की बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकती है ना, जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, किसी किसी के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो तुरंत आपको ये लोशन या जो क्रीम है ये बंद कर देनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड वार्निंग्स की, कहाँ कहाँ पे परमेथ्रीन लोशन यूज नहीं करना है, इसका मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई पेशेंट परमेथ्रीन से ही एलर्जिक हो तो उसको परमेथ्रीन लोशन या क्रीम का यूज नहीं करना है, या फिर वो पायरीथ्रोइड्स जैसे कि रेसमेथ्रीन या सुमेथ्रीन इनसे एलर्जिक हो तो भी इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। 2 महीने से कम का जो बच्चा है उसके अंदर भी ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है परमेथ्रीन का यूज करना, और ध्यान रहे 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर भी जो परमेथ्रीन ये लोशन या क्रीम है ये बहुत ही सावधानी के साथ यूज किया जाता है,
ठीक है। अगर किसी को लंग डिजीज है, जैसे किसी को अस्थमा है, तो उसके अंदर भी ये रेकमेंडेड नहीं होता है परमेथ्रीन लोशन या क्रीम का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सीमा। एक्सीमा ये भी एक स्किन की प्रॉब्लम है, जिसके जिसके अंदर स्किन इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर जो स्किन है वो रेड रेड हो जाती है, इसके अंदर भी खुजली होती है। तो अगर किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी परमेथ्रीन लोशन यूज नहीं किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे एक्जिमा की प्रॉब्लम है, ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको दवा दे सके, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस है जिसके अंदर जो परमेथ्रीन लोशन या क्रीम है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया परमेथ्रीन लोशन या फिर क्रीम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।